गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? जो काम दिया था मैंने आपको करने के लिए वो आप लोगों ने नोट कर लिया है? शाबाश। आज हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम की, अर्थात प्रकाश जिन जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यहाँ लिख लें हम लोग पहले प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या है कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो इस प्रकार अगर बात करें हम तो प्रकाशिक माध्यम में प्रकाश होकर गुजरेगा। अब इस तरह से अगर हम बात करें तो ये माध्यम कितने प्रकार के हो सकते हैं? माध्यम हो सकते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के। तो जो माध्यम तो हैं ये तीन प्रकार कौन कौन से? पहला होगा आपका पारदर्शक माध्यम, अर्थात ऐसे सभी माध्यम या ऐसी सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए, अर्थात जिनके आर पार हम देखा जा सकता हो, ऐसे माध्यम जिनके आर पार प्रकाश आसानी से गमन कर सके या जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक इत्यादि। कांच, प्लास्टिक हो गया, पानी हो गया इत्यादि। ये तो हो गया आपका पारदर्शक माध्यम। दूसरा माध्यम क्या होता है? पारभासक माध्यम। इसमें क्या होता है? इसमें हम बात करेंगे कि जिन माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग बाहर निकल सके, ऐसे माध्यम जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग बाहर निकल सके या गमन कर सके उसे क्या कहेंगे? उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि। अब इसमें घिसे हुए कांच में दूषित जल भी हो सकता है, और आप देखते होंगे जो आजकल की खिड़कियों में एक विशेष प्रकार कांच लगता है जिसके दूसरे पार लगता है कोई है पर कौन है वो पूरी तरह से हम नहीं पहचान पाते। इसके बाद हम बात करेंगे अपारदर्शक माध्यम। तीसरा माध्यम क्या है? अपारदर्शक माध्यम। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जिसके आर पार प्रकाश गमन ना कर सके, ऐसी वस्तुएं या ऐसे माध्यम जिनके आर पार प्रकाश गमन ना कर सके उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे इसमें इसका उदाहरण क्या हो सकता है?
इसका उदाहरण है जैसे लोहा, दीवार, पत्थर, सीट इत्यादि। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आर पर प्रकाश नहीं जा सकता, उन्हें क्या कहेंगे हम, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश के किरण की। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण में क्या होता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता हो तब प्रकाश के पथ को प्रकाश का किरण कह प्रकाश किरण कहते हैं। अर्थात प्रकाश किरण क्या है, जब प्रकाश किसमें किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को तब किसको प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। अब प्रकाश किरण कहते हैं तो प्रकाश किरण तीन प्रकार के होते हैं, एक अपसारी किरण पुंज और एक अभिसारी किरण पुंज और एक समांतर किरण पुंज। अर्थात एक बात और कि प्रकाश किरण सिंगल प्रकाश किरण की है, जब इसी तरह कई प्रकाश किरण के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश किरण के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन। और ये तीन किरण पुंज कौन कौन से, अगर हम बात करें पहला आपका अभिसारी किरण पुंज, फिर अपसारी किरण पुंज, दूसरा क्या है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा है समांतर किरण पुंज। अब देखिए इसमें जो अभिसारी किरण पुंज होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या करते हैं कि अलग अलग जगह से किसी एक जगह पर क्या होंगे, मिलेंगे। अभिसारी किरण पुंज क्या होंगे, एक जगह मिलते हैं। अपसारी किरण पुंज एक जगह से निकलकर फैलते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या होंगे, एक जगह से निकलकर क्या करेंगे, फैलते हैं। जबकि समांतर किरण पुंज एक दूसरे के समांतर रेखा में जीवन पर्यंत या बहुत दूर तक अनंत तक गति करते रहते हैं। तो समांतर किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज समांतर रेखा में एक दूसरे के समान होकर अनंत तक गति करते हैं। जबकि अपसारी किरण पुंज में क्या होगा कि एक जगह से निकलकर किरणें क्या होंगी, फैलेंगी, तो क्या होगा आपका अपसारी किरण पुंज। जबकि कई दिशाओं से आकर किरणें जब एक जगह पर मिलती है तो उन्हें हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन।